हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम आज आपके लिए नई रेसिपी लेके आए हैं। तो आज हम बनाएंगे मटर मशरूम। तो इसके लिए मैंने मशरूम को काट लिया है, मटर को फ्रेश मटर लिया हमने, उसको भी छील के टमाटर मटर सारा तैयार कर लिया है काट के। तो मैंने लिए कढ़ाई, कढ़ाई मैंने गैस ऑन कर दी है। हम इसमें डालेंगे थोड़ा ऑयल, तो ऑयल हमारा पल चुका है, इसको हम होने देंगे थोड़ा गरम। ऑयल को हम अच्छे से पहले गरम होने देंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया था, हम इसमें मशरूम को करेंगे फ्राई 3 से 4 मिनट के लिए। तो हम इसमें अपना पहले सारा मशरूम डाल देंगे। ऐसे फ्राई करके मशरूम बनाने से सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, इसलिए मैंने इसमें सारा मशरूम डाल दिया अपना। इसको हम थोड़ी देर के लिए करेंगे फ्राई, 3 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और थोड़ा मशरूम बड़ा बड़ा ही काटना है। मैंने ना इसमें थोड़ा सा छोटा ही मशरूम काट दिया था, लेकिन आप जब भी बनाएं तो थोड़ा मशरूम बड़ा ही काटें। बड़ा कट करने से, ये ऐसे फ्राई करने से ना मशरूम थोड़ा और छोटा हो जाता है, लेकिन बनता बहुत ही टेस्टी है। तो इसलिए हम इसमें मशरूम को कर लेंगे फ्राई। तो हमारा मशरूम फ्राई हो गया है, इससे ना थोड़ा तेल का भी कलर चेंज हो जाता है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं मशरूम को चेक कर रही थी, ये देख रहे हैं आप, तेल थोड़ा ऐसा हो गया था तेल, लेकिन वो है तो मशरूम का ही कलर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मशरूम हो गए, हमें 3 मिनट तो हो ही गए हैं, हमारा मशरूम पक गया है लगभग। हमने फ्राई किया, पकना क्या मतलब फ्राई कर लिया है। तो मैंने इसमें सारे मशरूम को हमने निकाल लिया एक बर्तन में, सारा हम मशरूम निकाल लेंगे अपना। उसके बाद जो बचा हुआ तेल है ना, तो उसको भी हम यूज में ही लेंगे। हमारा सारा मशरूम निकल चुका है, जो बचा हुआ तेल था मैंने इसमें डाल दी है। मोटी मोटी कटी हुई अदरक, इसमें हमारे 2 मीडियम साइज के प्याज जाएंगे। तो मैंने प्याज आज पहले से ही सारा कट करके रखा था अपना, लहसुन भी, प्याज भी, हरी मिर्च वगैरह सारा कुछ पहले से ही हमने कट करके रख लिया था। तो हमारे इसमें 15 से 20 लहसुन की कलियां गई हैं। इसको हम करेंगे पहले अच्छे से फ्राई, जब तक कि हमारा लहसुन प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक के लिए हम इसको अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सॉफ्ट ही करना है, ज़्यादा नहीं इसको करेंगे सॉफ्ट होने तक ही, इसको थोड़ी देर हम चलाएंगे। तो मैंने इसको थोड़ा छोड़ दिया था। और लगभग हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, हमने ये 4 हरी मिर्च ऐड की हैं इसमें, इनको भी थोड़ा हम भून लेंगे अच्छे से। अच्छे से भूनते हुए अब हमारे ये सारा पेस्ट भुन गया है। तो मैंने इसको मिक्सी जार में निकाला है, इसको हम ग्राइंड करेंगे। इस तरीके से अगर आप मशरूम की सब्ज़ी बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसमें उसके बाद भी थोड़ा तेल बच गया था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा तेल और ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसको थोड़ा ऑयल को गर्म होने देंगे अच्छे से। गैस हमने बंद कर दी थी, क्योंकि जो हमने लहसुन और प्याज को हमने वो सॉफ्ट किया था ना, तो उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद ही मिक्सी जार में ग्राइंड करना। मैंने मिक्सी जार में ही निकाल लिया था, उसमें थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया 5 मिनट के लिए, अच्छे से वो ठंडा हो गया था। उसके बाद मैं उसको ग्राइंड करके साइड में रख दिया है। कढ़ाई मैंने दोबारा से ऑयल डाल के, कढ़ाई तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हींग, 1 चम्मच जीरा डाल दिया। इसके जीरे को भी हम अच्छे से चटकने देंगे, जीरा भी हमारा अच्छे से चटक चुका है। अब जो हमने मिक्सी जार में पेस्ट बना के तैयार किया था, वही सारा पेस्ट हम इसमें तेल में डाल देंगे। जो हमने सॉफ्ट किया था प्याज लहसुन और जो हरी मिर्च और अदरक को, वो वाला हमने मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया था, वो हमने आपको दिखाया नहीं है, लेकिन वही वाला पेस्ट है ये। तो इसका हमने पेस्ट बना के इसमें हमने अच्छे से इसको छोड़ दिया है। इसको भी हम थोड़ी देर 2 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से। इसमें मैंने
बड़े साइज़ के दो टमाटर ऐड किए हैं, इनको भी हम अच्छे से सॉफ़्ट होने देंगे। जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट गलते नहीं है तब तक बढ़िया। तो इसमें नमक डालना तो बहुत ही ज़रूरी, तो मैं इसमें मसाले भी सारे अभी ऐड कर दूँगी। उसके बाद हम इसको अच्छे से गलने देंगे टमाटरों को। तो इसमें हमारा 1 चम्मच मिर्च जाएगी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा, 2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर जाएगा, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला जाएगा। घर का पिसा हुआ ही गरम मसाला है, इसलिए हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे इसमें। तो थोड़ा सा ही हमने गरम मसाला लिया, इसको हम अच्छे से चलाते हुए जब तक हमारा ये प्याज और सॉरी टमाटर जो हमारे अच्छे से सॉफ़्ट नहीं हो जाते तब तक इनको हम अच्छे से भूनेंगे बढ़िया तरीके से। जब ये अच्छे से भून जाएंगे तभी तुम्हारी बढ़िया सी ग्रेवी गाढ़ी ग्रेवी बनके तैयार होगी। इसमें मैंने मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दिया क्योंकि हमारे मसाले कभी जल ना जाए, इसलिए इसको भी हमने अच्छे से चला दिया। तो हमारे टमाटर सारे अच्छे से गल चुके हैं आप देख सकते हैं, और हमारा मसाला अच्छे से तेल भी छोड़ गया है। इसको हम एक बार फिर से चला देंगे बढ़िया तरीके से। तो आप देखिए हमारे टमाटर सारे गल चुके हैं, इसमें बिल्कुल भी आपको टमाटर नज़र नहीं आएंगे। इसी तरीके से अगर टमाटर को हम गलाएंगे तो हमारी ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही गाढ़ी ग्रेवी बन जाती है हमारी। तो टमाटरों को हमें गला देना, खड़े खड़े टमाटर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसके बाद हमने इसमें एक कटोरी छोटी कटोरी मटर ऐड कर दी है। तो मटर को भी हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से चला देंगे, 2 मिनट के लिए हम मटर को भी अच्छे से पकने देंगे। इसमें बढ़िया तरीके से इसको चला देना है, हमारा मसाला अच्छे से तेल तो छोड़ ही गया था। मटर को भी हम थोड़ी देर इसमें भून लेंगे अच्छे से। हमारे मटर को 2 मिनट हो गए थे भूनते भूनते। इसके बाद मैंने इसमें अपने मशरूम ऐड कर दिए हैं। मशरूम क्या होता है, जब हम तेल में फ्राई करते हैं ना तो वो थोड़ा छोटा दिखने लग जाता है, लेकिन इस तरीके से अगर आप सब्ज़ी बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनेगी, लोग आपकी तारीफ़ करते करते नहीं थकेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है इस तरीके से। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने इसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं लिया है, सिर्फ मैंने मिक्सी जार में ही 1 गिलास और पानी डाल के इसको अच्छे से हिला के मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि जो भी उसमें मसाला रह गया था वो भी सारा इसी में ऐड हो गया है। तो हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, इतना ही पानी हम इसमें रहने देंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं स्लो आँच में। अब मैंने इसको देखा है तो लगभग ये पकी गई थी हमारी मटर बढ़िया तरीके से। इसकी ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग, लेकिन आप ज़्यादा पतली ग्रेवी रखेंगे तो बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा। इसमें मैंने ऐड किया है 1 चम्मच भुना हुए जीरे का पाउडर। तो इसको भी हम अच्छे से घुमा देंगे। हमारी सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी, एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। इसके बाद हमने इसमें डाला है किचन किंग, ये हमारी किचन की जान होती है। किसी भी सब्ज़ी में आप इसको ऐड कर सकते हैं, सब्ज़ी का डबल दोगुना स्वाद बढ़ा देता है ये मसाला। इसमें मैंने स्वाद के लिए थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली थी खुशबू के लिए, जिससे कि हमारा टेस्ट और खुशबू दोनों ही इसमें बढ़ जाते हैं। कस्तूरी मेथी भी हमारी सब्ज़ी में बहुत ही अच्छी खुशबू लेके आती है। तो आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमारा पूरा प्रोसेस, लगभग धनिया भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। 10 से 15 मिनट में स्लो आँच पर हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं देखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही है, बहुत ही टेस्टी। खाने में भी आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के भी साथ परोस सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी हमारी बनती है। इस तरीके से आप देखिए, मैंने इसको बिल्कुल पास से आपको दिखाया, हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन के ताई। जो कभी नहीं खाता होगा मशरूम, वो भी आपसे मांग मांग के मशरूम खाएगा।